हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ हिमालया यूथ इटर्निटी डे क्रीम का। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है जिसपे प्रोडक्ट्स रिलेटेड सभी डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट लिस्ट, यूज़ कैसे करना है या फिर इसका वर्क कैसा है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 99 रुपीज़ है, जिसमें आपको 10 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। तो ये डे क्रीम है, इसमें आपको मिल जाता है SPF 15 जो कि आपको सन से प्रोटेक्शन भी देता है। हालांकि ये SPF इनफ नहीं है, बट ओके है क्योंकि समर में हमें ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जिनमें SPF होने चाहिए। ये मैटर नहीं है कि कम SPF है या ज़्यादा SPF है, बट SPF होना चाहिए। तो यूथ इटर्निटी की फुल रेंज अवेलेबल है मार्केट में। ये डे क्रीम है, नाइट क्रीम एंड अंडर आई क्रीम। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो इस रेंज को एक ट्राई दे सकते हैं। ये पूरी रेंज बहुत अच्छी है और स्पेशली मैंने तो फिलहाल इसका डे क्रीम ही यूज़ किया है, तो मुझे इसका डे क्रीम बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसकी इनर पैकेजिंग है जो कि ट्यूब पैक है, ट्रेवलिंग के लिए परफेक्ट है और यूज़ करने में काफ़ी हैंडी भी है। आप चाहें तो इसका रियल साइज़ भी या बड़ा साइज़ भी बाय कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी है। ये आपके फेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा। ये पिंक अंडरटोन के साथ है, पिंक नहीं बेज अंडरटोन के साथ है, बट ये कैमरे में आपको वाइट ही दिख रहा है, बट ये रियल में बेज अंडरटोन के साथ है या हल्की सी बेज कलर में है। ये क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और स्मेल की अगर बात करें तो स्मेल की तो कोई बात आप पूछो ही मत कि इसकी स्मेल कितनी अमेजिंग है। हिमालय के मैंने जितने भी प्रोडक्ट अभी तक यूज़ किए हैं उन सब में नंबर 1 पे है इसकी स्मेल, और इसका वर्क भी बहुत अमेजिंग है। आई एम श्योर आपको एक ट्राई देना चाहिए। अब बात करते हैं इस क्रीम के डिटेल्स की, जैसे कि इंग्रेडिएंट। तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इजीली देख सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और साथ ही साथ इसमें कोई भी पैराबेंस नहीं है। ये क्रीम पैराबेन फ्री है और साथ ही साथ इसे एनिमल पे भी टेस्ट नहीं किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इसके यूज़ की बात करें तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। डे क्रीम है तो आपको सिर्फ इसे एक ही बार यूज़ करना है मॉर्निंग में, या फिर आपको दिन भर में जब भी इसे यूज़ करना हो आप एक बार इसे यूज़ करें। बट इस क्रीम को यूज़ करने से पहले अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस क्रीम में बिल्कुल भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि ये क्रीम आपको मॉइस्चर या मॉइस्चराइजेशन दे रही है। हालांकि ड्राई आउट नहीं करती है, बट आप ड्राई स्किन वालों के साथ थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि वो कोई सी भी क्रीम लगाएं तो थोड़ी देर के बाद उनकी स्किन ड्राई आउट हो जाती है। तो अगर आप ड्राई स्किन के हैं तो इस क्रीम को यूज़ करने से पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें। ओवरऑल अगर इसके वर्क की हम बात करें तो ये बहुत अच्छा वर्क आपकी स्किन पे करती है। ये आपके फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है और साथ ही साथ आपको विजिबल रिजल्ट मिल जाएगा, बट इसे आपको कंटिन्यू 4 वीक्स तक यूज़ करना होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है रीप्लम्प्स स्किन, रिड्यूस फाइन लाइन एंड रिंकल्स इन 4 वीक्स। तो आपको कंटिन्यू इसे 4 हफ्तों तक यूज़ करना है। इसका टेक्सचर लाइट वेट और नॉन ग्रीसी है, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। ये आपकी स्किन पे बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल भी रहेगी और कंफर्टेबल भी रहेगी। यहाँ पे ये दिया गया है फोटो एजिंग, ए मेजर कॉज ऑफ एजिंग इज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सपोजर टू हार्श सनलाइट। जब हम ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो उसी की वजह से हमें फाइन लाइन या रिंकल या फिर एजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हों, अगर आप 18+ हैं तो आप एक एंटी एजिंग क्रीम को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करने की कोई भी एज नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आप 30+ हो जाएं उसके बाद ही एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करें। अपनी स्किन की केयर हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, तो इसलिए टाइम रहते ही अपनी स्किन की केयर स्टार्ट कर दीजिए आप। ज़रूरी नहीं है कि मैं आप ही के लिए ये कह रही हूँ, मैं अपने लिए भी ये कह रही हूँ।
ओवरऑल ये क्रीम बहुत अच्छी है और इसका वर्क भी बहुत अमेजिंग है, अफोर्डेबल है। आप चाहे इसका फुल साइज बाय करें या मिनी साइज बाय करें, अगर आपको एक ट्राई देना है तो आप इसका मिनी साइज बाय कर सकते हैं। ये इजीली आपका 4 वीक्स तक चल जाएगा क्योंकि इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। और ऐसा तो है नहीं कि ये फाउंडेशन है आपको पूरे फेस पे फुल कवरेज की तरह इसे अप्लाई करना होगा, कि जब तक आपको फुल कवरेज नहीं मिलेगी तब तक आप इसे अप्लाई करते रहेंगे। ये एक क्रीम है तो आप इसे क्रीम की तरह ही लगाएंगे, तो पक्का है, ये कंपलसरी है या फिक्स है कि ये आपका 4 वीक्स तक इजीली चल जाएगा। तो आप चाहें तो मिनी साइज बाय करके उसे एक ट्राई दे सकते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो आप उसका फुल साइज बाय करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय।